हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने परचेज किया है ये पिंक कलर का कुर्ता प्लाजो सेट फ्रॉम द अमेज़न। अभी हाल फिलहाल इस पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शॉप चालू है, सेल चालू है, तो ये मैंने सेल में ही परचेज किया है और इसका कॉस्ट मुझे 460 रुपीज़ पड़ा है। अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद आए तो आप भी वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। हाल फिलहाल वहाँ पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चालू है, तो आप जाइए और जल्दी से चेकआउट कीजिए। तो अमेज़न से कुछ इस तरह के बॉक्स में मुझे ये सेट रिसीव हुआ था, जो कि डबल फोल्ड करके था। ओपन करने के बाद में ड्रेस पीस जो था वो बहुत ही क्रम्बल्ड हो गया था। तो चलिए देखते हैं इसका कुर्ता सेट कि ये कैसा दिखता है। ये कुर्ता सेट कॉटन का मेंशन किया हुआ है, बट 100% कॉटन नहीं है, बट बहुत रेयर केसेस में बहुत कोई जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि 100% कॉटन नहीं है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देता है। कॉटन जैसा ही लुक आता है, कॉटन जैसी सॉफ्टनेस भी है, सब कुछ कॉटन जैसा ही है। इसके साथ आपको मिल जाता है ये नेक, राउंड नेक, और नेक के एग्जैक्ट नीचे जो है ये फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये 5 बूटे बने हुए हैं, सिर्फ यही है एम्ब्रॉयडरी और कहीं पर भी नहीं है। स्लीव्स इसका नॉर्मल स्लीव्स मिल जाता है प्लेन। एम्ब्रॉयडरी की जो फिनिशिंग है वो अच्छी है, बट खाली ये फ्रंट में जो 5 एम्ब्रॉयडरी दी हुई है ना, ये सब 5 फ्लावर्स बस इतना ही है, बाकी सब सारा कुर्ता जो है प्लेन है। साइड में इसकी स्लिट दी हुई है, दामन भी इसका प्लेन है, ये देखिए। अगर आप फिटिंग करवाने में कंफर्टेबल है तो ही इस कुर्ते को लीजिएगा, क्योंकि इस कुर्ते को लेने के बाद में आपको अपने हिसाब से थोड़ी बहुत फिटिंग करवानी पड़ेगी। ये इसका बैक साइड भी प्लेन है, कुछ इस तरह का लुक आता है इसका, देख लीजिए। चलिए चलते हैं इसकी पैंट की तरफ। तो ये है इसका पैंट। पैंट 100% कॉटन है और बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, सॉफ्ट है। इसमें दोनों साइड बेल्ट दी हुई है, फुल इलास्टिक वाला है और इसमें साइड में जेब नहीं है। ये प्लाजो पैंट है, नैरो बॉटम वाला, जिसको पैंट प्लाजो बोला जाता है वो है। इसके बस थाइस के पास जो है ना थोड़ा सा टाइट हो रहा था मुझे, और इसमें स्पेस भी नहीं है कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा सकूं, सो मुझे इसके वजह से रिटर्न करना पड़ गया। और ये जो है ये इसका बॉटम है। बॉटम में देखिए नीचे के साइड में थोड़ा सा कट दिया हुआ है, और मेरे हाथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके ये कितना पतला है। लुक इसका अच्छा ही आता है, बट मुझे थाइस के पास टाइट हो गया था। ये इसका पूरा ओवरऑल कुर्ता सेट है, ये इसका लुक है, कुछ इस तरह का मिलता है आपको। अगर आप इससे बहुत ही अच्छे फिटिंग की उम्मीद करते हैं तो वो नहीं मिलेगा आपको। एक साइज आपका जो नॉर्मल साइज है उससे एक साइज बड़ा लेना है, और उसको थोड़ी सी हल्की सी साइड से फिटिंग करवा देना है, तो कुर्ता एकदम सुपर्ब है। मुझे थोड़ा सा टाइट आया था, बिकॉज मेरे थाइस के पास जो है हल्का सा टाइट हो गया था, इसके वजह से मुझे इसको रिटर्न करना पड़ गया। अदरवाइज कुर्ता बहुत अच्छा है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। इसकी रेटिंग भी अमेज़न पे बहुत ही अच्छी आई है, तो आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और हाल फिलहाल इसका कॉस्ट जो है वो चल रहा है 460 रुपीज़ में। तो 460 रुपीज़ में ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छी डील है। जाने से पहले कहना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।